हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरएल लर्निंग क्लासेस। एक बार मैं फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। तो आज हम लेके आए आपके लिए कैलेंडर से रिलेटेड कैलेंडर रेपिटेशन की एक बहुत ही अच्छी सी ट्रिक। तो उस ट्रिक को जानते हैं इस वीडियो के थ्रू, और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस वर्ष का कैलेंडर जो होगा वो 2008 के कैलेंडर के समान होगा। कैलेंडर समान का मतलब ये होता है कि अगर जिस डेट को, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि 1 जनवरी 2008 को अगर इसमें संडे पड़ रहा है, तो इसी का मतलब जैसे संडे जनवरी टू दिसंबर तक होगा, उसी जनवरी से दिसंबर तक सेम डेट पर ही दूसरे वर्ष का कैलेंडर भी सिमिलर होगा, समान होगा। तो बस ये होता है सिमिलर वाला कॉन्सेप्ट। अब इसको किस तरह से करते हैं उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा, सबसे पहले इस क्वेश्चन के थ्रू आपको निकालना पड़ेगा कि 2000 अगर 8 है तो ये हमारा लीप ईयर है या नहीं है। तो सबसे पहले लीप ईयर के लिए आपको क्या कॉन्सेप्ट पता है कि इसको 4 से डिवाइड लगा देते हैं। 4 से अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो ये लीप ईयर हो जाएगा। तो इससे ये क्लियर हो गया कि ये हमारा है क्या, लीप ईयर है। क्लियर हो गया। अब जो हमारा कॉन्सेप्ट कहता है, कॉन्सेप्ट हमारा कहता है कि जो लीप ईयर होता है, एल वाई में डिनोट कर रहा हूँ, लीप ईयर का कैलेंडर, उसमें 28 साल जोड़ने के बाद वही कैलेंडर हमारा रिपीट कर जाता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि लीप ईयर का जो कैलेंडर होगा वो, उसमें अगर हम 28 ईयर्स ऐड कर देते हैं तो वो हमारे दूसरे, मतलब जो हम बोला ना कि उसके समान होगा, किस ईयर के समान होगा, तो उसके समान उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि हमारा लीप ईयर था ये 2008 पूछा है, अब अगर ये लीप ईयर है हमको कंफर्म हो गया है, तो इसमें हम 28 साल 28 ईयर्स और ऐड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा इसका 2008, अब इसमें हम जोड़ लेंगे 28, तो हमारा आ जाएगा 2036, यानी कि 2036। तो 2008 का कैलेंडर जो होगा वो 2036 के कैलेंडर के समान होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है भाई, अब इसी में, अब अगर इसी में बोला जाए कि अगर एग्जांपल के तौर पे कोई वैल्यू है, लाइक मैं मान लूँ 1800 है। ठीक है, अब ये एक लीप ईयर नहीं है, ये एक लीप ईयर के सेंचुरी ईयर है, और सेंचुरी ईयर में आप सभी को पता होगा कि हम लोग 4 से डिवाइड नहीं करते हैं, 400 से डिवाइड करते हैं। तो इसके लिए हमको इसको 400 से डिवाइड करना पड़ेगा लीप ईयर निकालने के लिए। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो यानी कि ये जो होगा ये लीप ईयर नहीं होगा। लेकिन अगर उसी कॉन्सेप्ट में अगर मैं 1600 को 400 से डिवाइड करता हूँ तो ये एक सेंचुरी ईयर होने के बावजूद भी ये एक हो जाएगा लीप ईयर। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात आती है नॉर्मल ईयर की। लीप ईयर का तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको, लेकिन अब आते हैं नॉर्मल ईयर में। तो भाई एक जो नॉर्मल ईयर होता है उसका कैलेंडर रिपीटेशन कितने साल के बाद होता है, तो उसका कैलेंडर रिपीटेशन हमारा 11 साल के बाद होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर मैं लेता हूँ, एग्जांपल के तौर पर अगर मैं ले लूँ, कोई भी एक ले लेते हैं, लाइक मैंने ले लिया 2021 ले लिया। ठीक है, आप सभी को पता है कि ये लीप ईयर नहीं है, ये कि ये नॉर्मल ईयर है। तो अगर पूछा जाए 2021 का कैलेंडर आगे आने वाले वर्षों में किस कैलेंडर के समान होगा, तो आप क्या करेंगे, इसमें 11 ऐड कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये 2032 के कैलेंडर के पूरा पूरा समान होगा। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाता है कि आगे का ना पूछ के पीछे का पूछा जाता है कि 2021 का कैलेंडर पिछले वर्षों में किस कैलेंडर के समान होगा, तो आप क्या करेंगे, सेम चीज को माइनस कर देंगे, पीछे चले जाएंगे, तो 2010 निकल के आ जाएगा। 2010 में 11 ऐड करेंगे तो 2021 हो जाएगा, फिर 11 ऐड करेंगे 32 हो जाएगा, फिर 11 ऐड करेंगे तो 43 हो जाएगा। इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। अब आते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो तीन कॉन्सेप्ट थे और तीनों मैंने आपको बता दिए कि कभी भी एक लीप ईयर का कैलेंडर नॉर्मल ईयर के कैलेंडर के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारे तीन कॉन्सेप्ट हो गए। अभी आपको ये चीज समझ में नहीं आई होगी कि मेरा कहने का मतलब क्या है। चलिए ध्यान से देखिएगा, कहने का मतलब ये है कि अगर मैं
कैलेंडर लेता हूँ 2009 का, तो जनरली ये हमारा एक नॉर्मल ईयर है, और नॉर्मल ईयर का मैंने अभी आपको पढ़ाया है कि नॉर्मल ईयर में हम लोग क्या करते हैं, 11 ऐड करते हैं, तो 11 ऐड करते हैं तो हमको मिल जाएगा 2020। तो हमारा ये एक टाइप से 2009 का कैलेंडर 2020 के कैलेंडर के बराबर होना चाहिए, लेकिन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 2009 हमारा क्या है, नॉर्मल ईयर है, और 2020 हमारा क्या है, एक लीप ईयर है। और अभी मैंने बताया कि लीप ईयर एक नॉर्मल ईयर के कैलेंडर के बराबर नहीं हो सकता। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा कि नॉर्मल ईयर में हम 11 ना जोड़ के हम लोग करेंगे 6 को ऐड करेंगे, ठीक है भाई। जिस कैलेंडर में 2009 प्लस डैश, अगर हम लोग देख रहे हैं कि उसको 11 जोड़ने पर 2020 यानी कि एक लीप ईयर बन रहा है, तो उसमें हम लोग 11 ऐड नहीं करेंगे, उसमें हम लोग करेंगे सिर्फ 6 का एडिशन करेंगे, और हमको आंसर मिल जाएगा 2015। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि कैलेंडर रिपीटिशन के सवाल किस किस तरह से बन सकते हैं। आपको बस तीन ही कॉन्सेप्ट समझने हैं कि अगर लीप ईयर बोला जा रहा है, लीप ईयर है जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है वो लीप ईयर है, तो उसका कैलेंडर भी एक लीप ईयर ही होगा जाके आगे चल के। उसमें आप क्या करेंगे, 28 का एडिशन करेंगे, 28 का एडिशन कर देंगे। अगर नॉर्मल ईयर है आपका ईयर, तो उसमें क्या करेंगे आप, जनरली 11 ऐड करेंगे, 11 का ऐड करके आप नया कैलेंडर निकालेंगे। बट अगर नॉर्मल ईयर में ऐड करने पर अगर आगे लीप ईयर बन रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग लीप 11 को ऐड नहीं करेंगे, और उस कंडीशन में हम लोग सिर्फ 6 का ऐड करके उस नए कैलेंडर का आंसर बता देंगे। तो बताइए आप सभी को ये ट्रिक कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसी ही ट्रिक के साथ एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।